हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कृतिका आज आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस, आज का व्लॉग एकदम कमाल होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको डेली वेयर एंड साथ ही साथ फेस्टिव वेयर टाइप के कुर्तीज़ दिखा रही हूँ। ये कुर्तीज़ को ना आप डेली वेयर और कैजुअल वेयर में दोनों तरह से पहन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, जैसे डेली वेयर या कोई और टाइप की रेंज बेसिस पे अगर आप कुछ देखना चाहते हो या कोई सवाल है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट पे बताइएगा, सो दैट आई कैन जस्ट गो अहेड एंड कम्युनिकेट विथ यू। आप लोग से बात कर सकूँ और साथ ही साथ आप लोग की रिक्वायरमेंट्स पे मैं वीडियो भी बना सकूँ। तो चलिए गाइस, अब बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलते हैं सीधा डुबकी लगाते हैं वीडियोज़ पे। पे देख सकते हो, ये है वो अनारकली, बहुत ही ब्यूटीफुल अनारकली है। फुल घेर इसका आप देखोगे ना, तो इसका घेर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देख लो कितना ज़्यादा घेर है इसमें। वैसे आप वीडियो में भी देख सकते हो मैंने पहना हुआ है, एंड ये मटेरियल जो है ना प्योर कॉटन मटेरियल जैसा है, इसमें कोई भी मिक्स नहीं है, जो मुझे बेस्ट लगा। एंड जो कलर है ना, नेवी ब्लू बोल दो या इंडिगो टाइप का कलर, इसमें आपको गोल्डन एंड वाइट का बांधनी प्रिंट मिल रहा है जो ब्लॉक प्रिंट बेस पे है। और अगर मैं इसकी नेक की बात करूँ ना, तो नेक इसका राउंड शेप में है और स्लीव्स इसके 3/4 है। ओवरऑल कंप्लीट हल्का सा एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा लगता है डेली वेयर के हिसाब से, बिल्कुल भी भारी मटेरियल नहीं है। ये जो कुर्ती है ना, आप इसे ओकेजनली तो पहन ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो तब भी आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का मटेरियल में है। तो ये देख लो, कुछ इस तरह से आपको ये कुर्ती मिलेगी अनारकली स्टाइल में। आपने यहाँ पे वीडियो भी देखा होगा, मैंने इसे पेयर अप किया था लेगिंग्स के साथ, तो ये लेगिंग्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास चूड़ीदार हो तो चूड़ीदार में भी ये बहुत ही अच्छा और कमाल लगेगा। इसे आप चाहें तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ भी वेयर अप कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स एंड ऑक्सीडाइज बैंगल्स एंड ऑक्सीडाइज रिंग अगर आप पहनोगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, इसमें आप दुपट्टा भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, बिना दुपट्टे की भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का यहाँ पे ड्रेस है, ये रियॉन बेस पे है, और इसमें जो आपको प्रिंट मिल रहा है ना, ये गोल्डन फॉयल प्रिंट है, बहुत ही सुंदर लगता है। ऑल ओवर द लेंथ आपको दिख जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कुर्ता में आपको इस तरह का ब्लॉक प्रिंट एंड फॉयल कलर, फॉयल प्रिंट आपको मिलेगा, नॉट ब्लॉक प्रिंट सॉरी। बट यहाँ पे आपको जो नेक मिल रहा है ना, आधा राउंड और बीच में देखो वी कट है, एंड इसका स्लीव्स आप देखोगे 3/4, और स्लीव्स में भी सेम प्रिंट है, यानी कि ऑल ओवर द वे आपको ये आपको इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ए लाइन मिल रहा है, तो यहाँ पे स्लिट भी मिल रहा है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसका लेंथ आपके नीज तक आ रहा है। इसके साथ आपको प्लाजो भी मिल जाता है, पर अगर आपको इसके साथ मिला हुआ प्लाजो नहीं पहनना है तो आप व्हाइट कलर का भी जो प्लाजो होता है जिसमें हल्का सा घेर हो, तो वो भी डाल सकते हो। और इसमें आप चाहो तो ज्वेलरीज ऐड कर सकते हो, जैसे ऑक्सीडाइज गोल्डन कलर में जो बैंगल्स आते हैं, ईयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स पहन सकते हो, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो आपको प्लाजो मिल रहा है ना, वो इस तरह का आपको प्लाजो फुल लेंथ मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यानी कि थोड़ा सा घेर मिल जाता है, तो उसकी वजह से ये प्लाजो बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से लेके नीचे तक आपको इसमें गोल्डन फॉयल प्रिंट मिल जाएगा, जो इसमें अपने आप ही इसको लुक भारी देने में काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे वेयर अप किया है। ये जो प्लाजो है ना, इसमें आपको इलास्टिक मिल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, इसमें नॉट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस मैं ट्राई करके आपको बता रही हूँ, वो एस साइज में है, सो आप लोग ज़रूर से लिंक चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन से ड्रेस पसंद आ रहे हैं, तो उसका आपको साइज अवेलेबल है कि नहीं, तो लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन गाइज।
आप चाहो तो ये ड्रेस को ओकेजनली भी पहन सकते हो या डेली लाइफ में भी आप डेली वेयर के हिसाब से भी पहन सकते हो। तो चलिए चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल मरून कलर का ड्रेस आपको मिल रहा है जिसमें गोल्डन कलर का फॉयल प्रिंट है एंड इसके बॉर्डर को अगर आप देखोगे ना, आपके स्लीव्स में बॉर्डर जो मिल रहा है वो भी अलग पैटर्न में है। इसमें भी आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर ब्लॉक प्रिंट जैसा प्रिंट किया हुआ है जिसमें थोड़ा सा हैवी एम्ब्रॉयडरी टाइप, नॉट एम्ब्रॉयडरी, हैवी प्रिंट जैसा काम किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं नेक की बात करूँ तो नेक यहाँ पे राउंड नेक है और आपको यहाँ पे स्लिट भी मिल जाता है एंड ये नीज के अबव, नीज के थोड़ा सा नीचे जाएगा, फुल लेंथ नहीं है, नीज तक ही ये जाएगा। और पूरे के पूरे कुर्ती में आप देखोगे ना इस तरह का ब्लॉक प्रिंट जैसा किया हुआ है। मटीरियल की बात करूँ तो मटीरियल रियॉन मटीरियल है जो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे लगा, फेस्टिवल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। डेली वेयर में भी आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो, फेस्टिवल में आप पहनो तो इसमें दुपट्टा डाल सकते हो, ऑप्शनल है, बिना दुपट्टे की भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें चाहो तो आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है बैंगल्स, नेकलेस, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज किसी भी ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स जस्ट द वे यू वांट टू स्टाइल इट अप। तो इसके साथ आपको मिल जाता है प्लाजो। तो यहाँ पे जो प्लाजो है ना ये कमाल का है, एक तो इसमें आपको इलास्टिक मिल जाता है और दूसरा इसका जो घेर है ना बहुत ही अच्छा है, ज्यादा घेर आपको नीचे की तरफ मिल रहा है और साथ ही साथ पूरे मतलब अगर मैं बोलूँ ना प्रिंट सिर्फ नीचे की तरफ आपको हैवी प्रिंट मिल जाता है, गोल्डन फॉयल प्रिंट जो बोलते हैं ना वो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। तो आपने वीडियो तो साइड में देखी ली होगी कि मैंने जब पहना तो मुझ पे ये कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ और ये जो ड्रेस है इस वीडियो का सबसे आखिरी ड्रेस है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आया हो तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेकआउट। जो भी पसंद हो जरूर से खरीदना, नहीं भी पसंद हो तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। साइजेस अवेलेबल हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके अवेलेबल स्टॉक्स हैं कि नहीं। तो चलिए चलते हैं लास्ट ड्रेस की तरफ। तो हियर वी गो विद द लास्ट ड्रेस जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पे आप देखो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का आपको ड्रेस मिल रहा है, ये देख लो चाइनीज नेक के साथ आपको मिल रहा है, प्योर कॉटन मटेरियल में है एंड इसका स्लीव देखो, यहाँ से आपको वाइट पैटर्न में ये ब्लॉक प्रिंट मिल जाएगा बहुत सुंदर सा। 3/4 आपका स्लीव्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3/4 स्लीव्स आपको मिल रहा है एंड अगर आप गला भी देखोगे ना तो गले में भी आपको ये वाइट पैच मार्क दिख रहा है, यानी ये बॉर्डर जो है ना गले का उसमें भी आपको सेम एम्ब्रॉयडरी सेम मटेरियल यहाँ पे भी मिल रहा है। और नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो नीचे भी बहुत सुंदर सा बॉर्डर वर्क है, मतलब अलग से फैब्रिक अटैच्ड है जो बहुत ही प्यारा लगा, लेयर बेस बोलना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इसमें भी ब्लॉक प्रिंट है जो ब्लैक कलर में और इसका घेर आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। मैंने यहाँ पे वीडियो बना के रखा है, आप ज़रूर से चेकआउट ना आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। इसके नीचे आप चूड़ीदार या तो यू नो लेगिंग्स पहन सकते हो एंड अगेन ज्वेलरीज के साथ आप इसे अपना स्टाइल दे सकते हो, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला ड्रेस भी। तो लिंक आपको मिल जाएगा गाइस। तो ये आप डेली वेयर और फेस्टिवल वेयर के हिसाब से भी पहन सकते हो, बहुत ही क्लासी लगता है, कॉटन मटेरियल है तो ऑफिस में भी आप इसे आराम से इजीली वेयर अप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला हॉल अच्छा लगा हो, ज़्यादा कलेक्शंस नहीं दिखा पाई, 4 कलेक्शंस ओनली इन दिस टाइम, पर कोशिश करूंगी अगली बार और ज़्यादा कलेक्शंस लाने की। पर आपसे उम्मीद ये करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस टाइप के और कुर्तीज़ देखना पसंद है, किस रेंज का आप देखना पसंद करते हैं, किस वेबसाइट से आप ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। आपके साथ इंटरेक्शन होगा तो मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने में। ये तो मेरी चॉइसेस हैं जो मुझे पसंद आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली अपने घर वालों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करोगे तो मुझे आपका प्यार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। एंड चैनल पर नए आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है, वो भी ऑल में, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक मेरा वीडियो पहुँचते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नए हॉल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्माइल करते रहिए और दुनिया में प्यार बांटते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।